होता कैसे? चीन के सर्वर्स को ये कैसे पता चलता है कि उनके किसी ऐप की किसी पोस्ट में उनके खिलाफ कोई कमेंट किया गया या कोई वीडियो दिखाया गया? हमें अपने इंटेलिजेंस के सूत्रों से एक दस्तावेज मिला जिसमें 413 शब्दों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में हर वो शब्द है जिससे चीन को नुकसान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन शब्दों को सर्वर में फीड करके ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि कोई भी चीनी ऐप इन शब्दों या फिर इनसे जुड़े कॉम्बिनेशन को अपने स्तर पर रोक देते हैं। अब आप नोट कीजिए कि इन 413 शब्दों में कौन कौन से शब्द और कॉम्बिनेशन शामिल हैं। बौखलाया चीन, चीनी उत्पाद, चीन पाकिस्तान बलूचिस्तान साजिश, चीन पाकिस्तान समर्थन, तिब्बती युवा कांग्रेस, निर्वासित तिब्बत सरकार, दक्षिणी चीन सागर, तियानमेन स्क्वायर, तिब्बत का स्वतंत्रता आंदोलन, दलाई लामा, चीन को सबक सिखाना, तिब्बती नेता। इस तरह के इस लिस्ट में अंग्रेजी, हिंदी और भारत की दूसरी भाषाओं के कुल 413 शब्द। वीचैट की तरह ही हेलो ऐप भी काम करता है। हेलो ऐप में भी पॉलिटिकल सेंसरशिप का प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ भी वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को भी गैदर कर रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि जो भी चैट आप और मैं करते हैं वो चैट के हर एक इंडिविजुअल पैरामीटर को एक सर्वर स्टोर करता है। एलिगेशन ये है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन रिक्वायर होगा इसके लिए अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो, लेकिन इस चीज़ का प्रमाण काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में आ चुका है कि जो भी टेक्स्ट चाइनीज ऐप पे है उनसे पैरामीटर की वैल्यूएशन हो रहा है और उनके साथ साथ सेंटिमेंट एनालिसिस भी किया जा रहा है। चीन की ऐसी ही हरकतों और चालबाजियों की वजह से अब भारत में उसके उत्पादों के बहिष्कार की मांग फिर से उठने लगी है। जाहिर सी बात है कि इन उत्पादों में चीन में बनी ऐप्स भी शामिल हैं। खरीदें कब तलक कोट बदनों पे रहन हम चीन से, पे रहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट बदनों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर्व हालत यही कायम रही, आएंगे उस्ताल चीनी और कफन भी चीन से। उस्ताल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं वो भी अब चीन से आने लगेंगे और कफन भी चीन से आने लगेंगे। लेकिन चीन एक पैसे वाला मुल्क है, उसके पास ताकत भी है और पैसा भी, इसलिए उसके खिलाफ सिस्टम में रहकर कोई कदम उठाना मुश्किल होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हो सकता है कि आपने भी कुछ दिनों पहले ये ऐप इस्तेमाल किया जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप, यानी एक ऐसा ऐप जो ये बताता था कि आपके मोबाइल फोन पर कितने ऐप चीन के बने हुए हैं और फिर आप उन्हें अपने फोन से हटा सकते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है। सिर्फ दो हफ्ते में ही इस ऐप को 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके थे। इस ऐप जयपुर की कंपनी बनटच ऐप लैब्स ने बनाया। गूगल का कहना है कि ये ऐप उसकी नीतियों का उल्लंघन करती है क्योंकि गूगल ऐसी ऐप्स का समर्थन नहीं करता जो किसी ऐप को हटाने को कहती है। ये तो गूगल की सफाई है, लेकिन बहस इस बात पर भी हो रही है कि कहीं चीन ने गूगल को इस ऐप को हटाने के लिए मजबूर तो नहीं किया।